देखिए कच्चा मिट्टी का मकान हमारे आपके घरों में दोस्तों इतना बड़ा बड़ा सांप कैसे आपको यकीन हो रहा है दोस्तों, एक इधर बैठा है और दूसरा इधर बैठा है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, एक बार फिर से फटाफट के अंदाज में। ये है अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर तो चलते हैं दिखाते हैं दोस्तों सांप है कौन सा। रात का समय हो चुका दोस्तों, आने जाने में थोड़ा सा टाइम लगा, उसके लिए हम यहाँ के लोगों से मैं सॉरी बोलता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। नजरें जमाए रखिएगा क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये प्लीज कम, ये कौन सा गांव है, आपने नाम ग्राम जमीन अरौली, जमीन अहिरौली। अच्छा, थाना कौन सा? आइए राजे सुल्तानपुर। आइए, और किसी को फोन किए थे आप? नहीं सिर्फ आपको। अच्छा आइए प्लीज। अभी लाइट कट गई ना, तुरंत लाइट। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं काफी पुराना घर, आसियाना है ये। पहले के जमाने में दोस्तों ये घर बना करते थे और जिनके पास दोस्तों ऐसे घर रहते थे वो बहुत बड़े आदमी हुआ करते थे, क्योंकि दोस्तों इस समय जो दौर चल रहा है ऐसा घर कोई बनवा ही नहीं सकता। इसकी एक एक मीटर की लगभग 100 मीटर की मोटी दीवार होती है। कोई काट नहीं, बहुत मारा मकान है। एक वही था, अरे अभी हमको देखा है वही। हाँ। कई बल्ली देखा सीधे चाच मारा, ये ऊपर है बड़ा ये। तो दोस्तों ये कच्चे मिट्टी के मकान हैं और ऐसा मंजर बहुत कम देखने को मिलता है दोस्तों, जिंदगी में हमारे पहली बार मिला। इस वीडियो को खूब ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। आप ये देखिए, ये कच्चा मिट्टी का मकान है और इसके ऊपर दोस्तों अजगर आकर के घर के अंदर बैठा हुआ है। दोस्तों वही एक कहावत फिर से याद आई कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाताराम। हमारे आपके घरों में दोस्तों इतना बड़ा बड़ा सांप कैसे आपको यकीन हो रहा है दोस्तों, एक इधर बैठा है और दूसरा इधर बैठा है। अगर दोस्तों आपने ऐसा वीडियो कभी जीवन में देखा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो एक बार हमको याद किया गया दोस्तों, 20 वर्षों से इन मेजबानों को बचाते बचाते एक सम्मान आप लोगों ने मुझे दिया, तो मैं काफ़ी दूरी पे आ चुका हूँ। इनको बचाने का मेरा जो नियम है, जो मेरा उद्देश्य है, इनको यहाँ से पकड़ना, काफ़ी दूर जंगल में ले जाना, इनको वहाँ पर रिलीज कर देना, इनके प्राणों की रक्षा करना और सांपों से जुड़ी हुई जो भी मेरे पास जानकारियाँ रहती हैं आप तक पहुँचाना, लोगों तक पहुँचाना। दोस्तों आपने वीडियो को खूब शेयर किया, उसका ये कमाल है कि वीडियो यहाँ तक इन लोगों तक पहुँची और ये लोग उस वीडियो को देख करके फिर हमको याद किए, फिर आज ऐसे दो बेजवानों को बचाने का मौका मिला। तो दोस्तों ये नर और मादा दोनों एक साथ घर के अंदर हैं। अब मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि ये घर के अंदर आए हैं तो घर के अंदर खाना क्या चाहते हैं। घर के अंदर दोस्तों होता ये है, जहाँ पर अनाज रहता है वहाँ पर चूहा होता है इंसानों के बीच में, और वहीं पर दोस्तों भोजन रहता है, तो भोजन को खाने के लिए बड़ी बड़ी बिल्लियाँ हमारे आपके घरों में रहती हैं। ये कच्चा मकान है, इसमें बिल्लियाँ जरूर रहती हैं। ये सांप दोस्तों बिल्ली को खाता है, कुत्ते को खाता है, लोमड़ी को खाता है, सियार को भी खाता है, खड़े खा करके दोस्तों घोंटता है। और इसीलिए नीचे नहीं है कि मेरा मुकाबला, मेरा सामना, मेरी मुलाकात कहीं इंसानों से ना हो जाए, क्योंकि इंसान दोस्तों अपनी बचाव के लिए जब डर भय में आता है तो बस छड़ी को उठाता है और फिर। तो दोस्तों इसलिए हमको बुलाया जाता है और इनको पकड़कर मैं बाइज़र सुरक्षित जंगल में ले जाकर के छोड़ देता हूँ। यही दिन ब दिन मेरे जीवन की दिनचर्या सी है। चलिए दोस्तों, इंतजार की घड़ियाँ समाप्त होती हुई और इसको मैं नीचे उतारता हूँ और पैक करता हूँ, काफी दूर लेके चलता हूँ। सर सीढ़ी लाए, बता दें, इसको देख करके आप समझ सके ये दूसरा तल है दोस्तों, ये दूसरा तल है। तो दोस्तों इसे आप देख सकते हैं, ये भोजन की तलाश में बैठे हैं, कुछ तो ठंडी का कहर इनके ऊपर है और कुछ भोजन की समस्या बनी हुई है। तो दोस्तों पेट की खातिर जैसे इंसान 7 समुंदर पार चला जाता है, ये भी बेचारे इंसानों के बीच में ही आते जाते रहते हैं और मालिक एक दया नाम की चीज बनाई है जो इंसानों में दे रखी है, तो इंसानों को दया दृष्टि बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई अब हम चलते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देख के आप कॉपी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये काम दोस्तों एक एक्सपर्ट के लिए आप करेंगे तो कभी भी आपके साथ हादसा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों इसे जरा सा छेड़ते हैं, छेड़ने का मतलब इसे चेक करते हैं कि गुस्से में है कि नहीं है। दोस्तों ये स्थितियों को भापने के लिए, एटमॉस्फेयर को चेक करने के लिए, मौसम वातावरण और यहाँ के माहौल को चेक करने के लिए ये अपने जीभ को बार बार अंदर बाहर निकालता है, टंग को। चलिए दोस्तों अब ये इसे देख के आप समझ सकते हैं कि ये एक्टिव हो गया है। दोस्तों अब ये किस तरीके से संभलेगा, पीछे में आया गिर बाहर।
सही गिरेगा भैया नीचे, हाँ आप लोग रेडी करिए, चलिए भैया गिरेगा। आप इसे देख कर समझ सकते हैं कहीं पहले से ठीक है, पहले कहीं से ना निकल ले दादा। नहीं नहीं उसके नहीं, रुक गया उसके अंदर, रुक गया। सब लोग इधर अभी दोस्तों उसको भी नीचे उतार लेते हैं, फिर हम इसे खींच करते हैं। चलिए दोस्तों इसे हम ट्राई करते हैं। ठीक है ट्राई कीजिए आप, देख रहे हैं हम लोग भी। अच्छा ये काटते तो नहीं है ना, बहुत पीस है, पहले काटते हैं, बहुत ज्यादा पीस काटते हैं। मैंने मैंने सुना ये खाली लपेटते हैं। नहीं सर, नहीं सर, टूटेगा तो नहीं ना, नहीं नहीं वो टूटेगा ना, बहुत मजबूत है। दोस्तों ये है डर, डर नाम की नहीं कोई चीज होती है, इसको महसूस हो रहा है कि लोग हमको मार देंगे जबकि ऐसी बात नहीं है। भाई मेरे आ गए हैं, छेड़ दीजिए। दोस्तों इसकी लंबाई आप देख सकते हैं, ये काफी फिक्स साइज का है। तो चलिए दोस्तों इनको हम यहाँ से निकालते हैं और काफी दूर लेके चलते हैं। इस वीडियो को देख के आप काफी नहीं कीजिएगा, दोस्तों ये रहे हमारे भारत के राग पाइथन। तो दोस्तों बच्चों बाहर चलो, समाप्त हुआ।
थोड़ी मेहनत हुई इन दोनों को बचाने में, क्योंकि ये कच्चा मिट्टी का मकान था। तो दोस्तों इसे मालूम नहीं इसे कौन मारने वाला है या कौन इसे बचाने वाला है, ऐसे विद्वानों को बचाना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों ये हो गया और दूसरा भी पकड़ना है। चलिए सर तो दोस्तों ये हो गया नर और एक हो गया मादा, दोनों को एक साथ हम पैक करते हैं। वैसे दोस्तों मैं मुरली वाले हौसला कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ, आप लोग जो मुझे इतनी मोहब्बत देते हो, हालांकि दोस्तों आप लोग जानते हो ये लपेटता बहुत तेजी से दोस्तों, इसके पास ताकत बहुत ज्यादा होती है, यही एक ऐसा जीव है। दोस्तों ये काफी पुराना और कच्चा मिट्टी का मकान है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, इसको बचाने के लिए हमको याद किए। दोस्तों रात हो चुकी है, इसको थोड़ा थोड़ा आप लोग भी पकड़ करके सीधा कीजिए, देखिए लंबाई पकड़ कर सीधा कीजिए आप लोग, देखिए। दोस्तों एक साथ इन दोनों बिजवानों को यहाँ से निकाल दिया गया, ऐसा मंदिर दोस्तों जिंदगी में बहुत कम देखने को मिलता है, दो दो सांप एक ही घर में। नर मादा दोनों को इकट्ठे बंद कर दिया। दोस्तों काफी मेहनत होती है इन बिजवानों को बचाने के लिए, वैसे मैं भारत के कोने कोने जाता हूँ, नाम वैसे ही नहीं बनता है दोस्तों, नाम बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो दोस्तों ये हो गई मेहनत और ये हो गया बेजवान नर और मादा इंडियन राग पाइथन, जिसे अजगर के नाम से भी जानते हैं, इसी को दोस्तों गांव में चीतर भी बोलते हैं और कहीं कहीं पर दोस्तों इसे चित्ता बोलते हैं, बहुत सारे नामों से इसे जाना जाता है। इसका पसंदीदा जो भोजन है बड़े बड़े जानवरों को अपना निवाला बनाता है, कभी लोमड़ी तो कभी सियार, कभी कुत्ते को, कभी कभी दोस्तों बड़े जानवरों के बच्चों को भी ये खाता है। चलिए इसे हम दूर लेके चलते हैं दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में बेजवानों को बचाते बचाते, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और बाय।